महाराष्ट्र राज्य के समस्त ग्राम पंचायत कंप्यूटर प्रशासकों का विराट आक्रोश मोर्चा नागपुर में शीतकालीन सत्र पर अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत संगणक लिपिक पिछले 12 सालों से आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगें पूरी करवाने की उम्मीद में विधान भवन मोर्चा स्थल नागपुर में मोर्चा लेकर आए। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने जायजा लिया है, आइए डालते एक नजर। संगणक परिचालक कर्मचारी संगठन की ओर से ये मोर्चा है, आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ जो है सभी कर्मचारी है। आप देख पा रहे हो कि अपनी मांगों को लेकर वो आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज दो दिन से वो रातें जो है यही सड़क पर बैठकर गुजार रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि 20,000 जो है उन्हें किमान वेतन मिलना चाहिए। ऐसी कई मांगों के साथ वो जो है यहाँ पे बीते दो दिनों से रातें भी यहाँ बिता रहे हैं और विधान भवन पर ये दस्तक दिया है ये मोर्चा। अब देख पा रहे हो कि अपने मांगों को लेकर ये काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। क्या मांगे आपकी? माझे नाव जितेंद्र साखरे, महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संघटन राज्य सचिव। मागील 12 वर्षापासून आम्ही ग्राम पंचायत संगणक परिचालक निरंतर अगदी प्रामाणिकपणे काम करत आहोत। आमच्या ग्राम पंचायतीमधून 12,500 रुपये शासनाकडे जातात आणि आम्हाला दर महिन्याला फक्त 6,930 रुपये मिळतात। असे 12 वर्षापासून गुलामगिरीचे जीवन आम्ही या ठिकाणी जगत आहोत आणि ते आम्हाला 6,930 सुद्धा 6-6 महिने आम्हाला मिळत नाही। मग आमच्या कुटुंबात आम्ही उदरनिर्वाह तरी कसा करायचा, हा असा खूप मोठा प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या डोळ्यापुढे आलेला आहे। या समस्येला अडचणून आमचे जवळपास 6 संगणक परिचालक आणि अगदी ग्राम पंचायतीमध्ये आत्महत्या सुद्धा केलेली आहे, तरी पण या शासनास जाग आलेली नाही। आणि मागील 3 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी एक छोट्याशा मागणीसाठी या ठिकाणी एक आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। आमची प्रमुख मागणी आहे, माननीय यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार जे ग्राम पंचायत सुधारित आकृती बंद निर्धारित केलेलं आहे, त्या आकृती बंधामध्ये आम्हाला की ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कर्मचारी दर्जा द्यावा आणि किमान वेतन कायद्याप्रमाणे जे काही आमच्या पगार मिळत असेल ते आम्हाला देण्यात यावा। पण शासनासोबत अनेकदा आमच्या जवळपास 100-200 का 500 वेळा आमच्या बैठका झालेल्या आहेत, पण आम्हाला फक्त लेखी आश्वासन मौखिक आश्वासनच मिळाले आहेत। परंतु ते लेखी आश्वासन न घेता ती जी प्रक्रिया लांबणीवर घेत आहेत, म्हणजे फक्त वेळ काढूपणा शासन करत आहे। म्हणून आमची एकच विनंती आहे की समजा आकृती बंदामध्ये घेण्यासाठी आम्हाला संगणक परिचालकांना सामानासाठी वेळ लागत असेल, 2 महिने 4 महिने 6 महिने जरी लागत असेल आम्हाला मंजूर आहे, परंतु तोपर्यंत किमान आम्हाला दर महिन्याला 20,000 रुपये आमच्या मानधन आमच्या पगार आम्हाला दर महिन्याच्या निश्चित तारखेला देण्यात यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। याशिवाय नुसतं ग्रामपंचायत ठराव घेऊन काढण्याचे धमक्या दिले जातात, त्यानंतर हे जे आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने जे टार्गेट सिस्टीम लावण्यात आमच्या राहिली आहे, ते टार्गेट सिस्टीम शासनाने पूर्णतः बंद करा, कारण ज्या ग्राम पंचायतीमध्ये मृत्यू दाखल मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? उसका जो प्रारूप होगा वो शासन को भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। इतना खतरनाक अंजाम इस शासन को भुगतना पड़ेगा और उसका पूरा का पूरा जो अंजाम दूसरा पूरा का पूरा जिम्मेदार इस शासन रहेगा, क्योंकि अगर हमारी मांगनी समय पूरी नहीं हुई तो हम करो या मरो इस भूमिका से है, हमारी जान भी जाएगी चलेगा। बार बार की जिंदगी मरने से, हर दिन के मरने से एक दिन मर जाना अच्छा बात है, लेकिन नहीं हटेंगे, यहाँ से लेकर रहेंगे। संगठन के कर्मचारी है वो काफी आक्रामक है अपनी मांग को लेकर, करो या मरो की भूमिका उन्होंने अपनाई है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसा भी वो नारा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।